श्रावण मास का महीना, जिसे उत्तर भारतीय राज्यों में सावन महीने के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीने में से एक माना जाता है। अपने धार्मिक महत्व और अनुष्ठानों के लिए जाना जाने वाला यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इसे शुभ माना जाता है। पूरे महीने विशेष पूजा अनुष्ठान और समारोह किए जाते हैं, जिसमें हिंदू ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान मनाए जाने वाले उल्लेखनीय त्योहारों में श्रावण सोमवार व्रत, हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन शामिल है। यह हिंदू परंपरा के आध्यात्मिक विकास, भक्ति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में अपने स्थान की गहरी समझ विकसित करने पर जोर देने की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। आज श्रावण मास के अंतिम सोमवार को वीरज शहर में रहे पापनाश मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस खास सोमवार के अवसर पर विशेष पूजा आदि का आयोजन मंदिर में किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए बीदर शहर सहित आसपास के तालुके, ग्राम और पड़ोसी राज्य तेलंगाना के भी ग्रामों से लोग यहां पहुंचे और दर्शन के लिए लंबी कतारों में लगे रहे। मंदिर प्रशासन द्वारा भक्तों के लिए विशेष इंतजाम आदि किए गए हैं। इस मौके पर शिव कुमार शेटकार ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। प्लस महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस क्षेत्र से कई लक्षांतर लोग दर्शन के लिए आते हैं और पुनीत होते हैं। ये जो मंदिर है, 50 साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग आते थे, पहले कम आते थे, अब लक्षांतर लोग आ रहे दर्शन कर रहे। आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। और इस दर्शन से राम स्थापना टेम्पल बोलते हैं, राम आके यहाँ पे पूजा करके स्थापना करे, सो टेम्पल है। बहुत बीदर में ये हिस्टोरिकल है, यहाँ का जैसा भजन बीदर डिस्ट्रिक्ट में मेरे को सुने आया ऐसे कहीं भी नहीं होता। रोज़ 1000 से भी ज़्यादा लोग भजन में रहते हैं श्रावण एक महीने, और उसके साथ प्रसाद का व्यवस्था हम ट्रस्ट वाले करते हैं। इसके लिए पूरे लोग सहकार दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और डिपार्टमेंट वाले इसको थोड़ा अरेंजमेंट करना नेक्स्ट साल के लिए, क्योंकि पानी आ रहा, लोगों को ठहरने के लिए प्रॉब्लम हो रहा, दर्शन के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा। बस